इस हफ्ते की टिप हमें लिख भेजी है नीरज कटियार जी ने ग्वालियर से। टिप ये है कि जब भी आप मछली का इस्तेमाल करें कोई डिश बनाने के लिए, जब भी उसे पकाने के लिए आप तैयार करें, तो कभी कभी उसमें से थोड़ी सी बदबू आती है। वैसे सारी बदबू तो हम नहीं हटा सकते क्योंकि वो मछली की नेचुरल स्मेल होती है, लेकिन अगर आपको लगे कि बदबू बहुत ज्यादा हो गई है तो आप ये टिप अपना सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास मछली के कुछ पीसेस हैं, इसको मैं एक मिक्सिंग बोल में डाल रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास लहसुन का पानी है। लहसुन को मैंने थोड़ा सा तोड़ के उसको बॉइल कर रखा है पानी के अंदर, और लहसुन को फिर डिस्कार्ड कर दिया, और ये पानी है मेरे पास, इसको मैं मछली के ऊपर डाल देता हूँ इस तरह से, और सारी मछली को इस पानी के अंदर अच्छी तरह मैरिनेट कर रहा हूँ। इसको मैं इस पानी के अंदर करीब 10 से 15 मिनट तक रखूंगा, और उसके बाद इसे पानी से, रनिंग वाटर से, यानी कि नल के नीचे पानी से अच्छी तरह इसे धो दीजिए, और उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि इसकी सारी स्मेल चली गई है, बस वो नेचुरल स्मेल रहेगी, और उसके बाद आप इस मछली का असली मजा ले सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप, आई होप कि आपके बहुत काम आएगी।